तो भाई आज बना रहे हैं दो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज। एक है शेव पाव, जो पुणे का बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, और दूसरा है कटका पाव, जो कि गुजरात का बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। दोनों ही ब्रेड के रेसिपीज हैं और दोनों ही 10 मिनट में बन जाती हैं। आप 10 मिनट में बहुत लोगों के लिए एक साथ बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शेव पाव बनाने के लिए ले रहे हैं बर्गर बन। आपके पास या तो पाव होनी चाहिए या तो कोई भी बन होना चाहिए, वैसे दोनों में से कुछ भी नहीं है तो स्लाइस ब्रेड के साथ भी ये बड़ा अच्छा ही बनता है। तो बर्गर बन को बीच से काट के इसे तवे पर सेकेंगे और इसे क्रिस्पी बनाएंगे, और वो बनाएंगे बटर के साथ। तो बटर को दोनों तरफ से लगा के तवे पर धीमी से मीडियम आंच तक इसे सेकना है। ये नाइसली क्रिस्पी हो जाए मतलब ये रेडी हो चुका है। और अब क्रिस्पी और बटरी बन पर पहले लगा रहे हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। उसके ऊपर रख रहे हैं बॉयल्ड पोटैटो। तो पोटैटो को बॉयल करके पील करके बस काटा हुआ है, और आलू के बाद इसमें डाल रहे हैं क्यूकम्बर। तो ये है काकड़ी, और डालेंगे प्याज। प्याज को हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। वैसे आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, आप अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। जुकिनी के साथ भी बड़ा मज़ा आता है, कैप्सिकम और लेट्यूस के साथ भी बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद डाला है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, और वो है शेव। तो ये मोटे वाले शेव हैं, आप पतले वाले भी डाल सकते हैं। और शेव के बाद इसे गार्निश करें टोमेटो सॉस के साथ और मेयोनीज के साथ। और इन दोनों के बाद डाल देना इसमें बहुत सारा चीज़ ग्रेट करके। तो शेव बहुत चटपटा तो होता ही है, उसके साथ बहुत चीज़ी भी होता है। आप मेयो और चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये शेव पाव तो हो चुके हैं रेडी, लेकिन इन्हें और करना है थोड़ा गार्निश, और वो कर रहे हैं चीज़ के साथ। आप चाहें तो और थोड़ा मेयोनीज डाल सकते हैं और शेव के साथ। तो बस ये शेव पाव रेडी है, इसे सिर्फ एंजॉय करना है। कैसी लगी आपको रेसिपी? बहुत ईजी है ना, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए बनाते हैं कटका ब्रेड। तो कटका ब्रेड बनाने के लिए तवा रख दिया गरम करने के लिए। पहले डाल दे रहे हैं बटर, और डाल रहे हैं थोड़ी सी पाव भाजी मसाला, और फिर इस पर रख दे रहे हैं हमारे बंस। बंस को हमने बीच से काटा हुआ है। आप कोई भी बन यूज़ करते हैं, आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब और बटर लगा के इन सबको करना है बहुत क्रिस्पी। ध्यान रहे कि इस पर बटर और मसाला अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाना चाहिए, बहुत ही फ्लेवर्ड और क्रिस्पी ब्रेड बनती है। तो ये देखिए ब्रेड दोनों रोस्ट हो चुकी हैं, और अब रोस्ट करने के बाद इन्हें काट दे रहे हैं। तो एक ब्रेड को चार पीसेस में, तो इसके 8 पीसेस हो जाएंगे। वैसे एक बन से आपकी एक प्लेट बन सकती है। और अभी क्रिस्पी ब्रेड के पीसेस रख दे रहे हैं प्लेट में, और अब इसे चाट की तरह तैयार करते जाएंगे। और अब स्प्रेड आउट कर देना है इस पर टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी। आप वैसे चाहें तो टोमेटो सॉस के बजाय इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा मज़ा आता है। और चटनी के बाद डाल दे रहे हैं प्याज, फाइनली चॉप किया हुआ है। और प्याज के बाद डाल रहे हैं इसमें आलू, उसे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। आप चाहें तो इस वक्त इसमें अपने चॉइस ऑफ वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप इसमें स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं, टमाटर, कैप्सिकम, लेट्यूस, वो भी सब डाल सकते हैं। और अब स्प्रिंकल कर दे रहे हैं काला नमक और रोस्टेड जीरा पाउडर। और उसके बाद बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, अब डाल रहे हैं इसमें रोस्टेड पीनट्स। तो रोस्टेड या मसाला पीनट्स डालिएगा। पीनट्स के बाद ग्रेट कर दे रहे हैं इस पर बहुत सारा चीज़, और फिर उसे गार्निश करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और ओरिगैनो के साथ। सबसे एंड में स्प्रिंकल कर दे रहे हैं थोड़ा सा शेव, आप चाहें तो फरसान भी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी? बिल्कुल रेडी है, इसे एंजॉय करिएगा। मन कर रहा है ना खाने का? ज़रूर ट्राई करिएगा, आज शाम ही ट्राई करिएगा। हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी दोनों स्नैक्स की रेसिपीज़ कैसी बनी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।